Today we have done the preparation from alkene, alkyne and alcohol. Now let us start the preparation from the carboxylic acid. See, carboxylic acid से आप उसकी decarboxylation और dehydration से aldehyde ketone बना सकते हो, ठीक है? कैसे बेटे? Decarboxylation, that is removal of carbon dioxide. And dehydration means removal of water. When you will remove both water and both that is carbon dioxide, you will get aldehyde or ketone from an acid. Okay? If you will take bit of formic acid, if you will take only formic acid, you will get only formaldehyde. ठीक है, द रिएजेंट फॉर दिस रिएक्शन इज मैंगनीज ऑक्साइड एंड यू विल हीट अप टू 300 डिग्री सेल्सियस. ठीक है बेटे, सो अगर आप दोनों फॉर्मिक एसिड देखते हो, अकेला फॉर्मिक एसिड, तो आपकी डिहाइड्रेशन और डीकार्बोक्सिलेशन दोनों होके आपको क्या मिलता है? फॉर्मेल्डिहाइड. ओनली फॉर्मिक एसिड जब लेते हो, ठीक है, तो आपका एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है और एक आपका मान लो यहां से वाटर H2O और यहां से क्या निकल गया? CO2. ठीक है, तो आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा क्या? यहां से HCOH. ठीक है, तो आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड बच जाता है. ठीक है बेटे, जब आप फॉर्मिक एसिड, अकेला एसिड कौन सा लेते हो? दैट इज फॉर्मिक एसिड, देन यू विल गेट फॉर्मेल्डिहाइड. ओके, then you will get formaldehyde. Achha, ab next, isi mein hi, if you will taking formic acid, now you will take again with a formic acid and uske saath you will take any other acid like acidic acid with the catalyst same, that is manganese oxide, and at 300 degree Celsius, then जो वाला जो एसिड लेते हो आप, फॉर्मिक एसिड के अलावा जो सब एसिड लिया है आपने, उसका आपको एल्डिहाइड मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एसिडिक एसिड लिया है तो एसिड एल्डिहाइड, अगर बेंजोइक एसिड लिया है तो बेंजाल्डिहाइड, अगर आपने प्रोपेनोइक एसिड लिया है तो प्रोपेनल आपकी. ठीक है, जो भी एसिड फॉर्मिक एसिड के अलावा लोगे उसका आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड. अब हमने एसिडिक एसिड लिया है तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा और वही डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रेशन हो जाएगी. डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रेशन हो जाएगी. अगर आपको बोले कि प्रिपेयर बेंजाल्डिहाइड फ्रॉम बेंजोइक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, तो यहाँ पे आप बेंजोइक एसिड वाला लोगे. देखो बेटे, ये कन्वर्जन्स में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर एसिड से हमने एल्डिहाइड बनाना है तो हम इसकी रिडक्शन भी करवा सकते हैं. ठीक है, तो आपको ये एक्शन ऐसे ही याद रखनी होती है. ठीक है, अच्छा, अगर आप इस फॉर्मिक एसिड को छोड़ के कोई मर्जी और एसिड ले लो, ठीक है, फॉर्मिक एसिड को छोड़ के कोई मर्जी और एसिड ले लो, तो उस एसिड का और इस एसिड का कीटोन बन जाता है. अगर तो ये सेम एसिड लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉर्मिक एसिड को छोड़ दिया और मैंने 2 moles ऑफ एसिडिक एसिड ही ले ली. ठीक है, आई हैव टेकन 2 moles ऑफ एसिडिक एसिड. ओके, तो हमने कौन से एसिड लिया? हमने दोनों एसिडिक एसिड लिया, तो हमें यहां से कीटोन मिलेगा, एसीटोन, और वही यू विल रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, और अगर आप मान लो यहां पे एसिडिक एसिड ले लो और यहां पे बेंजोइक एसिड ले लो, ठीक है, तो अब हमने एसिड अलग अलग कर दी, अब इन दोनों एसिड का एसीटोन मिलेगा. ठीक है, अब जो एसीटोन होगा वो इन दोनों एसिड्स का होगा. ओके,
ठीक है, तो यू विल गेट ये C6H5 क्या होती है, बेंजीन, ठीक है, इसे कहते हैं बेटे। ये मैंने ऐसा क्यों बना के दिया कि आप नेम भी याद करो, क्योंकि आगे इसकी कन्वर्जन बहुत बारी आनी है। इस इज नोन एज एसिटोफिनॉल, क्योंकि ये एसिडिक एसिड, और मान लो कि आप फिनॉल से या बेंजीन से या फिनाइल से आ रहा है, दैट इज एसिटोफिनॉल। ठीक है, ऑन कौन सा है, एसिटोफिनॉल, ओके, या मिथाइल फिनाइल कीटोन, जो भी कह दो, ओके। तो ये ऐसे आप प्रिपेयर कर सकते हो बाय डी कार्बोक्सीलेशन या डीहाइड्रेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। ठीक है, उसके बाद एसिड से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इफ यू विल डू ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड। ठीक है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट ऑफ द एसिड, प्रीवियस वाले में याद रखना है बेटे, प्रीवियस वाले में आपने याद रखना है कि अगर आपके दो फॉर्मिक एसिड होंगे तो यू विल गेट फॉर्मेल्डिहाइड, अगर फॉर्मिक सॉल्ट ऑफ एसिड, अगर फॉर्मिक एसिड और कुछ और एसिड होगा तो यू विल गेट द एल्डिहाइड ऑफ दैट एसिड, अगर दोनों एसिड फॉर्मिक एसिड के अलावा होंगे तो यू विल गेट अ कीटोन। ठीक है, यू विल गेट अ कीटोन, ओके। तो इसमें आपका, अगर मैं कैल्शियम सॉल्ट एसिड, अब देखो बेटे, मान लो आपका एसिड है ये वाला, ठीक, इसको आप कैल्शियम से ट्रीट करते हो, तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, टू पॉजिटिव। कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है बेटे, टू पॉजिटिव। जो आपका सॉल्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, CH3CO, इसको आपने हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया, फॉर एग्जांपल यू विल गेट हाउ सॉल्ट क्या बनेगा, CO ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा आपका। इसका मतलब आप ये ऐसे लिख सकते हो, और बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तो आपको सॉल्ट क्या, ये है कैल्शियम एसिटेट, ठीक है, कैल्शियम, जब मैं बोल रही हूँ बेटे कैल्शियम सॉल्ट, तो कैल्शियम सॉल्ट क्या है, दैट इज अ सॉल्ट ऑफ एन एसिड, वो कैसे बनता है, बेस की रिएक्शन से। तो आपको ये वाला सॉल्ट मिल गया, फॉर एग्जाम्पल ये वाला सॉल्ट मिल गया, आप सॉल्ट की ड्राई डिस्टिलेशन मतलब उसकी हीटिंग करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये वाला सॉल्ट लिया है और इसकी हीटिंग करूंगी तो यू विल गेट कीटोन फ्रॉम इट, ठीक है बेटे, यू विल गेट कीटोन फ्रॉम इट, आर जो भी आर है, आर क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो अगर आपका बेटे एसिडिक एसिड का सॉल्ट है तो आपको क्या मिलेगा, एसीटोन, ठीक है, और बाय रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। इफ यू हैव एन एसिडिक एसिड का सॉल्ट, इफ यू विल डू ड्राई डिस्टिलेशन तो आपको कीटोन मिलेंगे, कोई भी आप एसिड लो, अगर मेरे पास प्रोपेनोइक एसिड है तो प्रोपेन, जैसे ये प्रोपेनोइक हो गया, अगर मैं तीन कार्बन वाला ले लूंगी तो तीन कार्बन वाला मिल जाएगा मुझे, जो भी हम लेंगे उसी हिसाब से आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, व्हाट इज द पॉइंट। अगर हमने एल्डिहाइड ऑब्टेन करना है तब हम क्या करें, जब हमने एल्डिहाइड ऑब्टेन करना है तब हम कोई भी एसिड लें और उसको फॉर्मिक एसिड के सॉल्ट के साथ ट्रीट करें। आप कोई भी एसिड लेते हो बेटे, यू विल टेक द सॉल्ट ऑफ एनी एसिड एंड इफ यू विल ट्रीट विद द सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट लेते हो तब आपको जो भी आपने एसिड लिया उसका एल्डिहाइड मिलेगा,
एग्जाम्पल मैं यही एसिड ले लूं, और इसको सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट और दैट इज कैल्शियम फॉर्मेट के साथ में हीट करूं, तो मुझे एसीटोन नहीं मिलेगा। एसीटोन कब मिलेगा? जब मैं इसको अकेला हीट करूंगी। आई गेट एसीटोन जब मैं इसको अकेला हीट करूंगी। अदरवाइज मुझे क्या मिलेगा? मुझे एल्डिहाइड मिलेगा, दैट इज एसिटाल्डिहाइड। ठीक है बेटे, विल गेट एसिटाल्डिहाइड। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो ऊपर मैंने लिखी है, ये बोर्ड के एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, ये पहले भी आ चुकी है प्रीवियस ईयर्स में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये डायरेक्ट रिएक्शन पूछी जाती है, ये कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में आती है ये वाली रिएक्शन। व्हाट इट बेटे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि जब आप कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड को हीट करते हो, तो अगर आपका बेटे कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड अदर देन फॉर्मिक एसिड होगा, तो आपको कीटोन्स मिलेंगे। अगर आप फॉर्मिक एसिड को किसी और एसिड के सॉल्ट के साथ हीट करते हो, तो आपको एल्डिहाइड्स मिलते हैं। ठीक है, यू विल गेट एल्डिहाइड। ओके, चले आगे। अब हाँ जी, अब वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये जो प्रिपरेशन करी थी, दीज ऑल आर प्रिपरेशन ऑफ बोथ, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। नाउ लेट अस कम टू द प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड। ठीक है, अब जो चीज करने जा रहे हैं, दैट इज एक तो ये इंपॉर्टेंट, अभी तक जितने भी आपने कर रहे हैं, तो दिस सेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो प्रिपरेशन ऑफ ओनली नाउ एल्डिहाइड। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज रोजरमल्ड रिएक्शन। द फर्स्ट वेरी मच नेमिंग रिएक्शन जहाँ है वो इंपॉर्टेंट है। रोजरमल्ड रिएक्शन में हम एसिड क्लोराइड की जो है रिडक्शन करवाते हैं, एसिड क्लोराइड की रिडक्शन करवाते हैं। एसिड क्लोराइड क्या होती है? RCOCl। ठीक है, RCOCl, इसकी हाइड्रोजन की प्रेजेंस में प्लेटिनम बेरियम सल्फेट लोगे एज अ पॉइजन और सल्फर एज अ पॉइजन, तो आपको एल्डिहाइड्स मिलेंगे, नॉट कीटोन। ये सिर्फ एल्डिहाइड के लिए रिएक्शन है, ये कीटोन के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये हो, और ये बेटे जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन नेमिंग की फॉर्म में तो आपने करनी करनी है, इसके अलावा आपने एज कन्वर्जन्स भी करनी है इसको, सल्फर या क्यूनिन एज ए पॉइजन। अगर ये नहीं डालोगे, तो आपकी ये फर्दर रिएक्शन जो होती है वो नेक्स्ट स्टेज तक चली जाती है, दैट इज एसिड। तो ये पॉइजन डालना जरूरी है। बेरियम सल्फेट एज ए सरफेस एक्ट करता है, जिसके ऊपर ये एड्सॉर्ब होते हैं रिएक्टेंट। तो देखो बेटे, RCOCl तो ये क्या है? एसिटाइल क्लोराइड। वो पेपर में कैसे आएगा? कन्वर्ट एसिटाइल क्लोराइड इंटू एसिटाल्डिहाइड, ये रोजरमल्ड है। अगर कोई भी एसिटाइल क्लोराइड वगैरह आए, तो इसको आपने किसमें चेंज करना है? एसिटाल्डिहाइड में। जहां पे क्लोराइड लिखा हो, एसिड क्लोराइड है, वो एल्डिहाइड में चेंज होगा, तो रोजरमल्ड रिएक्शन। ठीक है, इन द सेम वे कन्वर्ट बेंजोइल क्लोराइड, कन्वर्ट बेंजोइल क्लोराइड। नाउ व्हाट इज बेंजोइल क्लोराइड? दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, टू कन्वर्ट बेंजोइल क्लोराइड, यू विल अगेन यूज पैलेडियम बेरियम सल्फेट एज अ सल्फर और सरफेस एंड सल्फर और क्यूमिन एज अ पॉइजन। ठीक है, सो यू विल गेट एल्डिहाइड ओवर इट। ओके, ये कौन सा है? बेंजाल्डिहाइड। तो आपने कैसे याद रखना है? एसिटाइल क्लोराइड इंटू एसिटाल्डिहाइड, बेंजोइल क्लोराइड इंटू बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों डायरेक्ट कन्वर्जन आती है पेपर में।
तो आपको ये लिखा नहीं होता कि आपने रोजरमन डायरेक्शन करनी है, यू शुड नो डायरेक्टली दैट यू हैव टू राइट द रोजरमन डायरेक्शन. यू ऑल आर देयर, यही पूछा मैंने आपसे. यस, गेटिंग द पॉइंट आदित्य. बाकी वेयर आर द रेस्ट एंड वी ओके. लक्ष्य बस, बाकी सो रहे हैं. ठीक है बेटे. सो आफ्टर दिस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्शन इज स्टीफन रिडक्शन. अच्छा, इस एक्शन से आप फॉर्मेल्डिहाइड नहीं सिंथेसाइज कर सकते क्योंकि जो फॉर्मेल्डिहाइड है दैट इज अनस्टेबल. ठीक है, इस मेथड जो सॉरी फॉर्माइल क्लोराइड है दैट इज अनस्टेबल, जो आपकी रिएक्टेंट है अगर वही अवेलेबल नहीं है तो आप कहाँ से रिएक्शन कर दोगे. तो इसलिए हम फॉर्मेल्डिहाइड सिंथेसाइज नहीं कर सकते बेटे, उसके अलावा जो भी एल्डिहाइड है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं. गॉट इट. ध्यान रखना है बेटे, अगेन इट इज बेंजोइल क्लोराइड इंटू बेंजाइल्डिहाइड, इट इज एसिटाइल क्लोराइड इंटू एसीटोन. ठीक है, this acetyl chloride into acetone and benzoyl chloride into benzaldehyde. You will learn like this only as naming. Naming जहाँ पे aldehyde की tone वाली reaction वाली naming आ जाए वो आपने कोई भी reaction इस chapter की नहीं छोड़नी, क्योंकि उसे ही convergence की form exam में डालते हैं. ठीक है, next आ जाओ बेटे. From nitrite, again this reaction is a naming reaction. From nitriles, ठीक है. Nitriles क्या होते हैं? Cyanides, ठीक है. Nitriles are nothing but cyanide. और इस रिएक्शन का नाम है स्टीफन रिएक्शन. ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टीफन रिएक्शन. आप नाइट्राइल लोगे, एनी नाइट्राइल. नाइट्राइल का मतलब है आपने क्या ले लिया बेटे? साइनाइड ले लिया. इसका रिएजेंट क्या है? SnCl2 plus HCl, ठीक है, टिन क्लोराइड प्लस HCl. तो इसकी रिडक्शन है. रिडक्शन का मतलब क्या ऐड कर रहे हो आप? हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो. ये डबल ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड ऐड करोगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगी, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगी. तो फर्स्ट स्टेप में यू विल ऐड हाइड्रोजन लाइक दिस, और उसके बाद इसकी करवाओगे हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर दे के तोड़ना. ठीक है, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है बेटे वाटर दे के तोड़ना. तो हमने यहां से तोड़ देना है इसको, और इसको दे देना है ऑक्सीजन. तो आपकी ऐसे क्या बन जाएगी? एल्डिहाइड. ठीक है, यू विल गेट एल्डिहाइड फ्रॉम दिस. ओके, तो हम इसको भी कन्वर्जन की फॉर्म में स्टडी कर लें इंक्वायरी. तो फॉर एग्जांपल ये क्या है आपकी, देखो. अब जब इसको साइनाइड बोलते हो तो यू विल से ऐड मिथाइल साइनाइड. ठीक है, मिथाइल साइनाइड तब ऐसे बोलना है आपने. अगर इसको आप नाइट्राइल बोलते हो तो इट विल नॉट, इट विल बी इथेन नाइट्राइल. जब नाइट्राइल बोलना है तो मान लो ये नाइट्रोजन अकेला बोलना है और ये दोनों कार्बन इकट्ठे बोलने हैं तो इथेन नाइट्राइल. और अगर साइनाइड बोलना है तो ये साइनाइड है और ये मिथाइल है. तो दिस इज मिथाइल साइनाइड. फॉर द पॉइंट, सो दिस इज मिथाइल साइनाइड. अब आपको ऐसे लिखा आएगा कन्वर्ट मिथाइल साइनाइड या इथेन नाइट्राइल. ठीक है, इसलिए नेमिंग आपको पता होनी चाहिए. तो आपको मैं ये इजी कर दूं, तो सबसे पहले आप क्या करवाओगे? इसकी रिडक्शन. ठीक है, फिर इसकी क्या करवाओगे? हाइड्रोलिसिस. तो आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड. ठीक है, You will get aldehyde. कौन सा मिला? Aldehyde, acetaldehyde. कैसे मिला? जब हमने मिथाइल साइनाइड को
कि क्या करवाई, स्टीफन रिडक्शन करवाई, तो अगर आ जाए कन्वर्ट मिथाइल साइनाइड इनटू एसिटाल्डिहाइड, इसका मतलब क्या है, साइनाइड्स जहाँ पे आए या साइनाइड जहाँ पे यहाँ पे नाइट्राइल हो, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए ये स्टीफन रिडक्शन हो रही है, ठीक है, स्टीफन रिडक्शन हो रही है, ओके फॉर द पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा बेटे ये रिएक्शन कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में भी आती है, तो एक रिएजेंट होता है डाइबल, उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, डाइबल होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन होती है। अगर एरो के ऊपर कहीं डाइबल लिखा हो तो आपने नाइट्राइल की रिडक्शन ही करनी है, ओके। नाउ माय इज कमिंग नीचे ना, ठीक है। इसके अलावा क्या है, डाइबल रिएजेंट है, वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो सिर्फ नाइट्राइल्स को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है या एस्टर्स को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है, तो डाइबल यूज करके आप इसको रिड्यूस करवा सकते हो, ठीक है। वही हाइड्रोलिसिस करोगे, वही सब कुछ करोगे, रिएजेंट याद रखो क्योंकि ये एरो के ऊपर कभी कभी मेंशन होती है, ये रिएजेंट इवन एस्टर्स को भी करता है, वो हम फर्दर देखेंगे, ठीक है। तो याद रखो डाइबल अगर लिखा है एरो के ऊपर, ये कभी कभी कंप्लीट द रिएक्शन आ जाती है, तो ये रिएजेंट एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके व्हाट द पॉइंट, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट रिएक्शन इज, दिस इज नेक्स्ट इज अगेन द नेमिंग कर लो पहले, नेक्स्ट इटार्ड रिएक्शन कर लो, डू इटार्ड रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये पेपर में ऐसे ही आ जाती है बेटे। देखो अभी आपने फर्स्ट की रोजन वन, जिसमें आपने एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में चेंज किया, फिर आपने करी स्टीफन रिडक्शन जिसमें आपने साइनाइड्स को एल्डिहाइड में चेंज किया, अब आप कर रहे हो इटार्ड रिएक्शन, यू आर डूइंग इटार्ड रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज टू मच इम्पॉर्टेंट। इसमें आपको एक रिएक्शन सीधा आती है, कन्वर्ट टॉलवीन, ऐसे ही एग्जाम में आएगी, कन्वर्ट टॉलवीन इन टू बेंजल्डिहाइड, तो आपकी स्ट्राइक हो जानी चाहिए कि अगर टॉलवीन को, अगर हाइड्रोकार्बन को बेंजाल्डिहाइड में चेंज करना है ना मैंने, तो मैंने कहीं ना कहीं इटार्ड रिएक्शन करनी है, ठीक है। या हम इसकी क्या करवा सकते हैं, हैलोजिनेशन करवा के हाइड्रोलाइसिस करवा सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हो, टॉलवीन इंटू बेंजाल्डिहाइड, अगेन ध्यान रखना है इटार्ड रिएक्शन का मतलब क्या है, टॉलवीन इंटू बेंजाल्डिहाइड। अब टॉलवीन क्या है, दिस इज अ टॉलवीन, टॉलवीन, ठीक है। इसको रिएक्ट करोगे क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, दिस इज अ क्रोमाइल क्लोराइड, ओके, ठीक है। अब इसको कैसे इंटरमीडिएट बनेगा, अब इंटरमीडिएट को कैसे याद रखते हैं, ये जो तीन हाइड्रोजन है इसमें से दो निकाल देंगे, ये जो थ्री हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं इसमें से टू हाइड्रोजन निकाल देने, ये CH, और फिर ये क्रोमाइल क्लोराइड नजर आ रहा है, ये टू ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, एक को इस तरफ ले जाओ, एक को बीच में ले आओ, और ये जो हाइड्रोजन है ना वो यहाँ ले आओ, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ ले आओ, तो O, ठीक है, CrOHCl2 का कर दो, ओके, तो ये इंटरमीडिएट बनता है जिसकी हाइड्रोलिसिस से आपको बेंजाल्डिहाइड मिलता है, जिसकी हाइड्रोलिसिस से आपको बेंजाल्डिहाइड मिलता है, ठीक है, इसमें बेंजोइक एसिड भी मिलता है, वो भी नहीं करना, तो दिस विल, यू विल गेट बेंजाल्डिहाइड, पूछ लिया करें, हाँ जी, डन, यू आर डूइंग, यू आर देयर, एक थम्स अप आ जाते हैं हमें,
Yes, we are there. अंकिता इज ऑल्सो गोइंग ना. चलो इसके बाद बेटे अगेन वन मोर नेमिंग रिएक्शन. तो हमने कितनी नेमिंग रिएक्शन करी इसी एल्डिहाइड में, इटार्ड, स्टीफन, रोजनमन. तो बेटे ये चैप्टर ना इतनी सारी नेमिंग रिएक्शन है ना कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नेमिंग रिएक्शन में ही होते हैं इनके. जो भी आपकी अगर कोई कन्वर्जन आएगी ना तो ये समझ लेना कि नेमिंग रिएक्शन से ही आएगी. उसके अलावा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो विल डू फर्दर, उसमें से भी बहुत क्वेश्चन आएंगे. ये चैप्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है. तो जब आप प्रिपरेशन करोगे ना तो ज्यादा एम्फसाइज आप नेमिंग रिएक्शन के ऊपर करना, ठीक. तो नेक्स्ट इज गैटरमैन कोच. एक गैटरमैन अकेली भी करी हुई है आपने, याद है, एल्काइन हैलाइड्स में सैंड म्यूर्स और गैटरमैन करी थी. अब ये गैटरमैन कोच है. कोच वर्ड लग गया हाथ में, ठीक है. अकेली गैटरमैन अलग थी, ये गैटरमैन कोच है. गैटरमैन कोच में आपको बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना होता है. बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना होता है, ऐसे याद रखो. बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, इटार्ड में बेंजीन से नहीं टोलुइन से बेंजल्डिहाइड, ठीक है. तो इधर हमने बेंजीन ही ले लेनी है. बेंजीन को आप COHCl फर्स्ट रिएजेंट COHCl के साथ ट्रीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड दैट इज एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और Q प्लस क्लोराइड की प्रेजेंस, ठीक है. आपने क्या लेना है, कोच. आप बच्चों को ऐसे सिखाते हैं कोच का CO, ठीक है, CO कोच से CO ले लेना है. करना क्या, आपने बेंजीन को बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है. साथ में आपने एसिड डाल देना है, जनरली एसिड डालता है. साथ में आपने लुईस एसिड और Q प्लस क्लोराइड डाल देना है, ठीक है. कोच के नेम से CO उठा लेना है और इसका एच से HCl, ऐसे याद कर लो, एच से HCl उठा लेना, ठीक है. अब ये भूलोगे नहीं इसका रिएजेंट आप. आपने बेंजीन टू बेंजाल्डिहाइड करने CO और HCl की प्रेजेंस में, और आपने बाकी कैटलिस्ट लेके, तो आपने बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड बना देना, ठीक है. इसके नेम में ही सारे रिएजेंट समझ आ जाएंगे आपको. द नेम यू विल गेट ऑल द रिएजेंट. ओके, गेटिंग, यस और नो, अगेन ये वन थम्स अप है ना, बाकी सो रहे हैं, फिर से सो गए. आदित्य, मानसी, समृद्धि, देन और कौन है, हाँ तनवीर, यशिका, मयंक, ध्रुव, लक्ष्य, गुंजोत, मानविया, सुप्रिया, वंशिका, ठीक है. अच्छा, एक हमने इटार्ड रिएक्शन से बेटे हमने अभी टोलुइन से बनाया था बेंजाल्डिहाइड. इसके अलावा एक नेमिंग रिएक्शन नहीं है, एक साइड चेन सब्स्टिट्यूशन करके उसकी हाइड्रोलिसिस करके है, वो भी देख लें, ठीक है. अब ये देखो, अगर आपके पास टोलुइन है, देखो अगर टोलुइन को अगर आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हो ना, और रिएजेंट दिया है साथ में एल्युमिनियम क्लोराइड या आयरन क्लोराइड, ऐसा रिएजेंट दिया है, तब तो आपकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, ठीक है. यहाँ क्लोरीन आती है, यहाँ क्लोरीन आएगी अगर. मगर यही रिएक्शन जब लाइट की प्रेजेंस में कर देते हो, अब यही रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में कर देते हो, ये बेंजीन को कुछ अफेक्ट नहीं करती, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है, ये साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होती है,
ठीक है, तो यहां से एच निकल जाता है, यहां से क्लोरीन आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन आ जाता है। तो एक मॉलिक्यूल पहले क्लोरीन का आएगा, फिर फर्दर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, तो यहाँ पे हम टू मॉलिक्यूल दिखा देते हैं पहले, ठीक है, फर्स्ट वन मॉलिक्यूल देन सेकंड, सॉरी फर्स्ट वन एटम एंड देन सेकंड, ठीक है। फिर आप उसकी करोगे हाइड्रोलिसिस अगेन, तो आपको बेंजाल्डिहाइड मिल जाती है। अगर रिटार्ड ना याद रह रही हो एग्जाम में, तो आपने ये भी याद रखनी है कि अगर हमें टॉलवीन से बेंजाल्डिहाइड वैसे ना बनाना आ रहा हो, बट बिटिटार्ड याद करने की कोशिश करो, नेमिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो एल्डिहाइड जैसे हमने शुरू करे, हमने फोर नेमिंग रिएक्शन कर ली है, इटार्ड, स्टीफन, गेटरमैन कोच, और एक और कौन सी करी थी, रोजनमंड। रोजनमंड में आपने एसिड क्लोराइड से क्या बनाया था, एल्डिहाइड। इन केस ऑफ स्टीफन आपका जो मेन रिएक्टेंट था वो था नाइट्राइल। इन गेटरमैन को जो मेन रिएक्टेंट है वो क्या है, टोलवीन। सिर्फ बेंजाल्डिहाइड बनती है, टोलवीन टू बेंजाल्डिहाइड, सॉरी यस इन इटार्ड टोलवीन टू बेंजाल्डिहाइड, और गेटरमैन में बेंजीन टू बेंजाल्डिहाइड। ओके बेटे, बेंजीन टू बेंजाल्डिहाइड। अब अगर हमने एल्डिहाइड अकेली प्रिपरेशन करी है, तो देयर इज प्रिपरेशन ऑफ कीटोन टू एंटाइमिक, एंड विल डू द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन टुमारो।